लोकतंत्र का प्रतीक, सबसे बड़ी पंचायत, एक ऐतिहासिक मौका, ऐसे मौके पर राजनीति खेली जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के अलावा मैं समझती हूँ, और हम सब सबकी सोच है, देश की सोच है, कि लोकतंत्र के प्रतीक का उद्घाटन देश का जो सबसे पहला नागरिक होता है वो है राष्ट्रपति, उनके द्वारा उद्घाटन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर राजनीति खेली जा रही है और प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन कर रहे हैं। हम इसमें विश्वास नहीं करते, हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। हमारे देश की कई विपक्षी पार्टियां हैं कांग्रेस सहित, जिनका अभी तक अंग्रेज मोह भंग नहीं हुआ है। उनको जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं वो ज़्यादा प्रिय हैं, और जो चीज़ हमारे मजदूरों ने बनाई है, हमारे कारीगरों ने बनाई है, हमारे आर्किटेक्ट्स ने बनाई है, हमारे इंजीनियर्स ने बनाई है, वो उनको अच्छी नहीं लगती है। इसलिए वो कह रहे कि हम नहीं जाएंगे, हम उसका विरोध करेंगे। मेरा ये कहना है कि लोकतंत्र के इस नए मंदिर का जो भी पार्टियां बहिष्कार कर रही हैं, हर देशभक्त व्यक्ति को उन पार्टियों का बहिष्कार करना चाहिए। राष्ट्रपति हमारे लिए बहुत सम्मानीय है, पूरा देश राष्ट्रपति का सम्मान करता है, लेकिन कोई भी बिल्डिंग, कोई प्रोजेक्ट बनता है तो गवर्नमेंट बाकायदा उसको कैबिनेट में उसमें अप्रूवल देती है, बजट पास करते हैं। तो इसी प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कैबिनेट की मीटिंग बुला करके उसमें इस पार्लियामेंट की अप्रूवल दी है, बजट पास किया है, सरकार ने काम कराया है। तो प्रधानमंत्री का अधिकार है, उसका उद्घाटन कर सकते हैं। विरोधी पार्टियां जो विरोध कर रही हैं वो गलत।